हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है रिव्यू होने वाला है मिनी लिपस्टिक्स का, जो कि छोटी छोटी सी हैं और इसका नाम है गोल्डन रोज़, इन शॉर्ट GRGR के नाम से भी ये फेमस है। आप देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी सी हैं और इनके शेड बहुत 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 ही ब्यूटीफुल हैं और ये टोटली मैट हैं। और पहले मैं आपको इसका जो स्वेचेज़ है हाथ पे भी दूंगी, हाथ पे सारे स्वेचेज़ दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको लिप्स भी सारे स्वेचेज़ इसके दिखाऊंगी। तो ये देखिए, वन बाय वन मैं सारे स्वेचेज़ आपको दिखा रही हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि जो लोग कॉस्मेटिक पे कम पैसे खर्च करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि एक ही बॉक्स के अंदर आपको बहुत सारे कलर्स ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो आप जो भी चाहें इसमें लगा सकते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा मरूनिश सा है, इससे पहले वाला ब्राउन सा है, तो इसमें सारे ही कलर हैं और काफ़ी अच्छे मुझे ये लगे हैं। इसके प्राइस वगैरह मतलब लिंक मैं दे दूँगी, तो आप लोग आराम से वहाँ से परचेज़ कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिएगा। तो ये देख सकते हैं, ज़्यादातर ये जो है ना ब्राउन के शेड्स हैं, मुझे बहुत पसंद है ब्राउन। मैं ब्राउन लवर हूँ, सीरियसली मुझे ब्राउन शेड बहुत पसंद है। अभी मैं सारे शेड्स आपको लिप्स पर भी अप्लाई करके दिखाऊंगी, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा और अच्छे से कि किस तरीके के शेड्स हैं इसके अंदर। पर्पलिश भी हैं और ब्राउन भी हैं, ब्राउन ज़्यादा हैं, हर तरीके का ब्राउन इसमें मिलेगा। पिंकिश ब्राउन, न्यूट ब्राउन, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन और थोड़ा एक मरून है, एक पर्पलिश सा है। तो सारे शेड्स इस तरह से भी है, मैं आपको हाथ पे भी दिखा रही हूँ, लिप्स पे भी दिखाऊंगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी ताकि आपके लिए आसानी हो। वैसे लोकल मार्केट में भी आसानी से मिल जाती हैं और ये बहुत सारे नामों की आ रही हैं। ये जो है गोल्डन रोज़ की है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। क्वान्टिटी बहुत छोटी है लेकिन ये फिल हुई हुई है, ऐसा नहीं कि खाली हैं, मतलब कुछ आती है ना वो थोड़ी खाली होती हैं, ये फुल हुई हुई हैं। तो ये क्वांटिटी अच्छी है, टेक्सचर के लिहाज से भी काफ़ी अच्छी हैं, एक ही स्वाइप में बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो रही हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको लिप स्वाचेस दिखा रही हूँ वन बाय वन सारी जो है ना। पहले तो मैं डर गई कि इसमें से एक कहाँ गायब हो गई है, लेकिन फिर वो सही से ये रखी नहीं हुई हैं, तो सही से इनको एडजस्ट किया मैंने। उसके बाद जो है फिर मैं वन बाय वन आपके साथ सारे शेड्स जो है मैं दिखा रही हूँ। तो सबसे पहला जो ये शेड है, ये भी ब्राउनिश सा शेड है, पिंक ब्राउन कहेंगे इस शेड को। तो ये देख सकते हैं, पहले आपको साइज़ दिखा रही हूँ कि देखिए कि कितनी छोटी छोटी सी हैं। जो पिंक के फिंगर होते हैं ना, सबसे छोटे वाले फिंगर बिल्कुल उसके साइज़ की हैं, तो इजी टू कैरी भी हैं। मतलब आपको जो शेड इसमें से चाहिए आप वो भी रख सकते हैं, लेकिन साइज़ इतना छोटा है इसका कि एक छोटे से बॉक्स के अंदर ही सारी एडजस्ट हो रही हैं। एट हैं टोटल, एट कलर्स आप आराम से कैरी कर सकते हो बैग के अंदर और लाइट वेट हैं बहुत ज़्यादा, बॉक्स का भी कोई इतना ज़्यादा वेट नहीं है। तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा है उनके लिए जो बहुत सारी बुलेट लिपस्टिक्स पर या मैट लिक्विड लिपस्टिक्स पर पैसे खर्च करना नहीं चाहते, तो वो ये एक बॉक्स ले लें। उसमें काफ़ी सारे शेड्स, इसमें पिंक के शेड्स भी आते हैं और इसमें ये ब्राउनिश की शेड भी आते हैं, तो मुझे ब्राउन वाला ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसके अंदर आपको पर्पल भी मिल जाएगा, न्यूट ब्राउन न्यूट पिंक में मिल जाएगा। देखिए मरून सा है ये भी आपको मिल जाएगा, ये मुझे बहुत ही पसंद आया ये वाला शेड। तो एकदम जब हम डार्क शेड्स अप्लाई करते हैं ना फेस पर, तो फेस पर फिर किसी और भी चीज़ को लगाने की नीड नहीं रहती है, पूरा फेस जो है ना आपका ब्राइटन अप हो जाता है। ये चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि अगर आपको कहीं जल्दी जल्दी जाना और कुछ लगाने का टाइम नहीं है मेकअप का, फेस पर कुछ अप्लाई करने का, तो आप इस तरह का जो शेड होता है डार्क मरून सा या डार्क सा शेड, वो फेस पर जब आप अप्लाई करते हो तो पूरा फेस आपका ब्राइटन अप हो जाता है, तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है आपने फुल मेकअप किया हुआ है। तो ये वाला शेड तो मुझे सच में पसंद आ गया होगा, कैरी पसंद आ गया है, तो दिख ही गया होगा आपको, ये कहना चाह रही थी मैं। तो ये आप देख सकते हैं ये किस प्रूफ भी है, मतलब कि ट्रांसफ़र प्रूफ भी है और बहुत अच्छे से मैट हो जाती है। थोड़ा ही टाइम लेता है ये मैट होने में, क्योंकि कुछ लिपस्टिक्स ऐसी होती हैं बहुत टाइम लेती हैं, ये जल्दी हो जाती है। और ये वाला कलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, पूरे फेस को वॉश ऑफ कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा ये। तो ये पूरे बॉक्स के अंदर सिर्फ ये वाहिद एक ही शेड है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरे ख्याल से ये वाला शेड जो किसी को भी सूट नहीं करेगा। खैर मैं बॉक्स दिखा रही हूँ अब के कौन से वाले नंबर पर हम पहुँचे, आई थिंक मैं फिफ्थ पर पहुँच गई हूँ। तो ये देखें, ये बहुत ही प्यारा शेड है, ये मेरे स्टॉलर से मैच कर रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यही शेड मैंने अप्लाई कर लिया लिप्स पर। तो ये बहुत प्यारा सा शेड है, पर्पलिश पिंक सा शेड है ये, तो ये देख सकते हैं। तो ये वाली सेटिंग जो है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। और अगर आप, जब मैं आपको लिंक दूंगी तो वहाँ पे भी आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सी सेटिंग आपको चाहिए। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारा शेड है, बिल्कुल मेरे शोल्डर से मैच कर रहा है। चलो जी, नेक्स्ट शेड की तरफ बढ़ते हैं और ये लगाते हैं। और ये शेड भी बहुत ही लाइट सा न्यूट ब्राउन सा शेड है, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने जैसे कि आपको कहा कि पूरे बॉक्स में सिर्फ एक ही शेड है जो मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन वो बिल्कुल बेकार नहीं है, ये आप समझे कि वो बेकार है। अगर आप उसको ब्राउन लिप लाइनर के साथ या मरून लिप लाइनर के साथ स्मच करके लिप्स पर अप्लाई करेंगे तो बहुत ही प्यारा शेड बन जाएगा। या आप ओम्ब्रे इफेक्ट दे सकते हैं पूरे फेस पर, आप लिपस्टिक फेस कह रही हूँ, पूरे लिप्स पर आप एक अच्छा सा कलर अप्लाई करें और सेंटर में उस वाले शेड को अगर आप अप्लाई करते हैं ना, तो ओम्ब्रे इफेक्ट आ जाएगा आपके लिप्स पर।
क्योंकि कोई भी चीज़ जो होती है ना वो वेस्ट नहीं होती है, बेकार नहीं होती है, बस आपको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए, जिसे टिप्स एंड ट्रिक्स कहते हैं, तो उससे जो आपकी कोई भी चीज़ें बेकार नहीं होती है। लास्ट शेड है जो क्या है ब्राउन, बहुत ही प्यारा शेड है, सारे शेड इसके बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैंने वन बाय वन आपको हाथ पे भी स्वाचेस दिखाए, लिप्स पर भी स्वाचेस दिखाए, ताकि आपको अच्छा सा आइडिया हो जाए कि मैं मुझे लेना है या नहीं लेना है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा रिव्यू, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, फिर मिलोगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।